औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में जरा सी रंजिश के चलते एक युवक पर डंडोबार रोड से हमला कर दिया। हमले का शिकार हुए चेतन शर्मा की जान भी जा सकती थी अगर उसको मरा हुआ समझकर हमलावर वहां से ना भागते। एक हफ्ते के बीच ये दूसरी वारदात है जिसमें बद्दी के नागरिकों में खौफ बढ़ता जा रहा है। इससे पहले गत रविवार को भी चक्का रोड पर एक कारोबारी की गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार चेतन शर्मा पुत्र अमृतपाल शर्मा निवासी वार्ड नंबर 2 दूध लेने शीतलपुर रोड पर जा रहा था। जैसे ही सुबह करीब 8:30 बजे के लगभग चेतन शर्मा शमशान घाट के पास पहुंचा तो उसके सामने से आ रही मारुति कार ने उसको जोरदार टक्कर मार दी जिससे वो वहां पर गिर गया। इससे पहले कि वो युवक संभलता कि कार से उतरकर गुंडों ने उस पर रोड की बरसात कर दी। चेतन के सिर पर इतनी जोर से लगी थी कि वे अचेत होकर गिर गया। आसपास वहां पर मौजूद लोगों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्दी पहुंचाया जहां से उसको सेक्टर 32 चंडीगढ़ भेज दिया गया है। इस घटना को लेकर पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सारा करा धरा विधायक परमजीत पम्मी के समर्थकों का है। सरकार को बने 100 दिन हुए हैं, स्थानीय विधायक गुम है एरिया से और इलाके में बहुत बड़े बड़े हादसे दर्दनाक हादसे जो हैं वो हो रहे हैं, विधायक समर्थकों द्वारा किए जा रहे हैं और आम जनता को कुचला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे प्रशासन और इनका सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी पिछले दिनों बिट्टू भाई का मर्डर बड़ी रिपेयर है शरेआम जो है वहाँ एक आबादी में किया गया। उसके बाद आज द्वारा पम्मी समर्थकों ने हमारे बद्दी के निवासी चेतन शर्मा जो इनके भाई अमरीलाल जी के बेटे हैं वो सुबह खेतों में गए, उनके ऊपर विधायक के समर्थकों ने डंडों से रोड़ों से टके उसके खेतों में हमला किया। अभी वो बुरी तरह से घायल है और उसकी छाती में भी चोटें लगी हैं। अभी पीजीआई या 32 सेक्टर को रेफर करेंगे डॉक्टर, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। कुछ ही दिनों में अपने आला नेताओं से करके बातचीत करके हम करने वाले हैं ताकि सरकार को, हम नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी हम लोग ऐसी रैली करें लेकिन अब हमें मजबूर होकर जो है ये लॉ एंड ऑर्डर पर रैली करनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और प्रशासन बुरी तरह जो है वो फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है और यहाँ पे गुंडागर्दी और हफ्ता गुराई के अलावा विधायक और विधायक के समर्थक जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे चेतन दूध लेने गया था तो थोड़ी देर बाद फोन आया कि मेरे लड़के के ऊपर हमला हो गया, वहाँ देखकर लड़कों ने हमला कर दिया, झंडे रोड तलवार से हमला किया, बुरी तरह से घायल है। ये लड़के कौन है? हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।